चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम पूरा जीरो से लास्ट तक सीखने वाले हैं इस कॉन्ट्रैक्टर वायरिंग के सारे सप्लाई के बारे में, कि इसके अंदर कितने पिनें होती हैं, कौन सा पिन इनपुट होता है, कौन सा पिन आउटपुट है, यानी कौन से पिन में हम न्यूट्रल फेज सबसे पहले देते हैं तो कौन से पिन में हमारा न्यूट्रल फेज सप्लाई निकलता है। तो पूरी वीडियो में आज हम कॉन्ट्रैक्टर के सारे पिन के सप्लाई के बारे में पूरा जीरो लेवल से सीखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि कॉन्ट्रैक्टर के सारे सप्लाई के बारे में आपको पूरा जीरो से मालूम। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि मेरे हाथ में एक कॉन्ट्रैक्टर रखा हुआ। सबसे पहले हम इसके पिनों को समझेंगे और उससे फिर उसके बाद सप्लाई को हम बारी बारी फुल प्रैक्टिकली करके समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसको पूरी नजदीकी से सारे पिनों को देखते हैं। बॉक्स के अंदर से कॉन्ट्रैक्टर को बाहर निकालेंगे। जब इसको बाहर निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको कॉन्ट्रैक्टर दिखाई देगा। देखिए, सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्टर के पिनों को समझते हैं बारी बारी, उसके बाद हम सप्लाई देकर चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के इस तरफ के पिन के और इस तरफ के पिन के और बीच के पिन के, यानी इस तरफ भी पिन लगा, इस तरफ भी पिन लगा और बीच में लगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस तरफ के पिन के। देखिए, इस तरफ पिन है ना, एक तरफ चार पिन बना हुआ है, यानी एक तरफ जो है चार पिन का बना हुआ है। एक तरफ आपका इस साइड आपका ये भी चार पिन का बना, यानी कॉन्ट्रैक्टर के इस तरफ भी चार पिन लगा, एक तरफ में चार पिन लगा। अब कॉन्ट्रैक्टर के इस साइड की बात करते हैं। देखिए, इस साइड भी वही चीज है, इस साइड भी कॉन्ट्रैक्टर के एक तरफ चार पिन लगा, एक तरफ चार पिन, यानी कि एक साइड चार पिन का है, एक साइड चार पिन का। और ठीक कॉन्ट्रैक्टर के बीच में देखिए, ये बीच में है ना, बीच में भी देखिए आपका दो पिन इधर लगा, यानी एक तरफ बीच में दो पिन है और इस साइड भी आपका एक तरफ बीच में दो पिन है, यानी कॉन्ट्रैक्टर के इधर भी दो पिन का है और इधर भी दो पिन का है, और सामने भी चार पिन का और इस साइड भी चार पिन का। अब कॉन्ट्रैक्टर को हम क्या करेंगे, चालू करेंगे, यानी इसमें हम अब सप्लाई देंगे। तो सप्लाई देने क्या करेंगे, हम एक वायर कोड लेंगे। अब हम वायर कोड लेंगे, देखिए ये आपका वायर कोड है, जो थिम्बल वाला वायर कोड हमने बनाया था इसको चालू करने के लिए। अब क्या करेंगे, किसी एक तरफ के पिन में सबसे पहले हम एक न्यूट्रल और एक फेज सप्लाई देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के इस तरफ भी बराबर पिन है और इस तरफ भी बराबर पिन है। तो हम किसी एक तरफ, चाहे इस तरफ या इस तरफ, सबसे पहले हम मेन बोर्ड से सप्लाई देंगे। तो देखिए, ये आपका मेन बोर्ड सप्लाई है ना, मेन कोर का सप्लाई है। तो देखिए, थिम्बल पिन वाला, तो हम सबसे पहले इस तरफ वाले पिन देते हैं। देखिए, इस तरफ के किसी भी पिन में, चारों पिन एक ही होता है, किसी पिन में सबसे पहले देंगे। इसमें दे दिए और एक क्या दे दिए, हम यहाँ दे दिए, एक आपका यहाँ दे दिए, यानी कि एक आपका यहाँ आपका न्यूट्रल हो गया, यहाँ आपका फेस हो गया। एक न्यूट्रल सप्लाई, एक फेस सप्लाई हम कॉन्ट्रैक्टर के किसी एक तरफ पिन में देंगे। अब देखिए, अब जब इस तरफ देंगे तो इसी पिन में से, यानी इस पिन में से सप्लाई हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देंगे, और इस पिन से सप्लाई हम इसमें देंगे, बीच वाले में। अब देखिए, हम क्या कहें, दो वायर वाला, थिम्बल वाला वायर ले लिए, दो थिम्बल वाला वायर ले लिए, क्योंकि खोसने में क्या होता है, यह लगाने में आसानी होता है। क्या करेंगे हम, देखिए यहां से एक सप्लाई, यानी कि इस तरफ से जो पिन हमारा है, इसमें से एक सप्लाई लेंगे और कहां देंगे, बीच वाले पिन में। देखिए, हम सीधे बीच वाले पिन में देंगे, ये बीच के पिन में दे दिए, यहां सप्लाई कहां दे दिए, सीधे बीच वाले पिन में। अब हमको क्या करना, इस सप्लाई को यहां देना, माने इस तरफ के सप्लाई को हमको यहां देना है। अब देखिए क्या, यहां भी एक पिन में खोज दिए, क्योंकि चारों पिन एक ही है, खोज दिए और क्या किया, यहां कनेक्ट कर देंगे, ये इस बीच वाले पिन में यहां दे दिए। अब समझते हैं बात को, हम सबसे पहले मेन बोर्ड सप्लाई लेते हैं और कॉन्ट्रैक्टर के किसी एक तरफ के पिन में देते हैं सबसे पहले, और उस तरफ के पिन में भी एक सप्लाई देते हैं, यानी कि एक तरफ पिन में, एक तरफ पिन में न्यूट्रल फेज सप्लाई देते हैं। अब जिस पर इस पिन में से एक सप्लाई देंगे, कहां, बीच वाले पिन में, और इस पिन से सप्लाई कहां देंगे, ठीक बीच वाले पिन में। तब सप्लाई मेरा जाके कॉन्ट्रैक्टर के सीधे, यानी ये आपका नीचे वाला जो पिन होता है उसमें आता है। अब क्या करेंगे, हम इसको चालू करेंगे, यानी कि हम बोर्ड में लगा के चालू करेंगे। अब देखिए, बोर्ड है ना, अब बोर्ड क्या करेंगे, इसको हम लगाएंगे। जब लगाएंगे और एक होल्डर बार की सहायता से हम चेक करेंगे, इसको हम देखिए, यहाँ देखिए, और ये क्या है, इसको स्विच को हम चालू कर दिए, चालू करेंगे, अब चेक करेंगे, ये बल्ब की सहायता से हम चेक करेंगे कि इसमें सप्लाई आ रहा कि नहीं। अब चेक करेंगे, देखिए यहां से और यहां लगाएंगे, ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्टर के ठीक नीचे वाले पिन में यहां सप्लाई आ गया, यानी कि जब तक सप्लाई आपका बीच में नहीं जाएगा तब तक सप्लाई इधर नहीं निकलेगा। जब निकलेगा सप्लाई, तो हम पूरी यहां से सप्लाई हम न्यूट्रल फेज के माध्यम से किसी भी सिस्टम को चालू करना हो तो सबसे पहले हम यहां से हम चालू कर सकते हैं, यानी पूरी सप्लाई हम यहां न्यूट्रल फेज के माध्यम से दे सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर के वायरिंग के बारे में किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपके मोबाइल के यूट्यूब के नोटिफिकेशन पर नए नए वीडियो देखने के मिले, और लास्ट में लाइक और बेल का बटन जरूर जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।